Hi friends, how are you? Kaise ho dosto? Welcome to this channel and let's see our today's video, grammar video, that is tense, and we are going to see this video in part 1. So let's start this topic, tenses. So pehle dekhte hai tenses ke types. Tenses has main three types. First one is present, second one past, and third one is future. Lekin iske sub types bhi hai jinhe features kaha gaya hai. To sub types bhi dekhte hai. First one is simple, means simple present, simple past, and simple future. Next, second one is continuous, continuous present, continuous past, and continuous future. Third one is perfect present, perfect past, and perfect future. And last one is called perfect continuous. So perfect continuous present, perfect continuous past, and perfect continuous future. So total 12 tenses bante hai. To dekhte hai har ek feature ka kis tarah istemal kiya jata hai. Simple is used to show normal actions. Continuous is used to show the action which is going on. And perfect ka istemal kiya jata hai when the action is completed. And last one, perfect continuous ka istemal kiya jata hai. Action started earlier but still going on. तो ये है टोटल 12 टेंसेस. इनको हम बारीकी से समझने वाले हैं. तो देखते हैं पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. पहला फीचर देखते हैं सिंपल टेंस. लेट्स स्टार्ट. लेकिन उससे पहले हमें वर्ब फॉर्म्स को समझना जरूरी है. तो वर्ब के फॉर्म से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जिसे कहा जाता है पास्ट फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और जिसे आईएनजी लगता है उसे कहा गया है वर्ब फोर मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट ब्रिंग प्रेजेंट फॉर्म, ब्रॉट सेकेंड फॉर्म, ब्रॉट थर्ड फॉर्म, एंड जब आईएनजी लगेगा तो वो बनेगा वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. नेक्स्ट ड्राइव, फर्स्ट ड्रो सेकेंड एंड ड्रीवन इज थर्ड वन. तो आईएनजी लग गया तो बन जाएगा फोर्थ वन. नेक्स्ट क्रिएट, सेकेंड में आएगा क्रिएटेड, थर्ड में आएगा क्रिएटेड, एंड फोर्थ में आएगा क्रिएटिंग. तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड को दोनों जगह पे ईडी लगाए. फोर्थ पे देखो लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड एंड लिफ्टिंग. तो यहाँ पे हमने चार वर्ब फॉर्म्स इसके लिए देखे क्योंकि इनका इस्तेमाल टेंसेस में होने वाला है. लेकिन इन वर्ब में भी दो टाइप्स है. जैसे हमने फर्स्ट दो अलग है और सेकेंड जो दो है वो अलग दिख रहे हैं. फर्स्ट दो है ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट एंड ड्राइव ड्रो ड्रिवन, और सेकेंड क्रिएट क्रिएटेड क्रिएटेड, लिफ्ट लिफ्टेड लिफ्टेड. अब नोटिस करोगे तो थर्ड एंड फोर्थ में ईडी लगा है. जहाँ पे भी वर्ब को सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है उसे रेगुलर फॉर्म कहा जाता है, और जहाँ पे ईडी नहीं लगता उन्हें इररेगुलर फॉर्म्स कहा गया है. तो ऊपर वाले जो दो है वो इररेगुलर वर्ब से, और नीचे वाले जो दो है वो रेगुलर वर्ब से. तो हमें करना क्या है, रेगुलर वर्ब्स तो हम इजीली बाय हार्ट कर सकते हैं, बट इररेगुलर वर्ब्स को हमें बाय हार्ट करना पड़ेगा. इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सारे के सारे इररेगुलर वर्ब्स नोट डाउन करके लिख के उन्हें अच्छे से मेमोराइज और बाय हार्ट कर सकते हो. तो देखते हैं हमारा आज का टेंसेस का टॉपिक, दैट इज सिंपल टेंस. तो पहला देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर रूल है सब्जेक्ट के बाद है वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जिसे प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, या फिर उस फर्स्ट फॉर्म को एस ई एस ऐड होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा. तो कुछ सेंटेंस देखते हैं. आई वॉच मूवी, वी वॉच मूवी, यू वॉच मूवी, दे वॉच मूवी, पीपल वॉच मूवी. हर जगह पे वॉच आया है, मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट ही वॉचेज मूवी, शी वॉचेज मूवी, इट वॉचेज मूवी एंड जितेंद्र वॉचेज मूवी. यहाँ पे वॉच को ई एस लगाए. तो इससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट जिस तरह चेंज होगा वर्ब फॉर्म भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है. तो रूल क्या है फिर देख लीजिए. आई वी यू दे ये प्रोनाउन है, और प्लूरल नाउन जैसे पीपल यहाँ पे लिखा है, अगर आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करना है. लेकिन ही शी इट एंड अगर सिंगुलर नाउन आया तो वर्ब को एस ई एस ऐड करना है. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है कि एस ई एस कब लगाना है, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन, और एस ई एस कब नहीं लगाना, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन. तो चलो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट के. कुछ सेंटेंस, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज कहाँ से उगता है, पूरब से. आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल हर रोज जाता हूँ. हेमंत लिव्स इन टिटवाला, हेमंत टिटवाला में रहता है. सम एनिमल्स हंट एट नाइट, सम कुछ एनिमल रात में शिकार करते.
हेथ शॉप शर्ट्स एट 10 PM, उसका दुकान रोज़ 10 बजे बंद होता है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, पंछी अपना जो नेस्ट है वो बिल्टअप करते हैं। शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह ही दिखती है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। दे हैव अ क्यूट पपी, तो यहाँ पे हमने देखा कुछ जगह पे एस ई एस का इस्तेमाल हुआ है और कुछ जगह पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है। तो जहाँ पे आई वी यू दे सिंग प्लूरल नाउन है वहाँ पे वर्ब वन इस्तेमाल हुआ है, और जहाँ पे सिंगुलर ही शी इट का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे एस ई एस का इस्तेमाल किया गया है। तो एग्जैक्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें कब इस्तेमाल करना है या फिर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। सी यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन जब दिखाने हैं तब सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई हर रोज़ क्या करता है, जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये मेरी डेली एक्शन है, तब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और देखते हैं जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये जनरल ट्रूथ है और इसे हमने सिंपल प्रेजेंट में ही दिखाते हैं। नेक्स्ट फिक्स्ड अरेंजमेंट, अगर कोई काम फिक्स है वो उसी टाइम पे होने वाला है तभी भी हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिज ब्रदर कम्स टुमारो, मतलब उसका भाई कल आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट से फ्यूचर भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट विथ फ्यूचर एक्शन कंडीशनल सेंटेंस, जब दो सेंटेंस हो, एक उस सेंटेंस उसमें कंडीशनल हो तो फ्यूचर सेंटेंस अगर उसमें है तो हम उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी, इफ़ यू स्टडी वेल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू स्टडी वेल, अगर आप पढ़ाई अच्छी करते हो यू विल नॉट फेल, तो नेक्स्ट वन सेंटेंस फ्यूचर है। तो इसी तरह चार तरीके से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखने में ही नाम का ही सिंपल, लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसकी वैरायटी ऑफ इस्तेमाल हमने यहाँ पे सीखा है। लेट्स सी कुछ चीज़ें हमें याद में रखनी है जो बहुत बार बच्चे भूल जाते, ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं। सी नीड टू रिमेंबर, फर्स्ट वन आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन जब जब आएगा तब हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। नेक्स्ट ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन जब हो तो वर्ब को एस ई एस ऐड करना है। ये आपको याद ही रखना है, बहुत बार बच्चे यहाँ पे ही ग्रामर मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमें याद रखनी है वो वर्ब को एस और ई एस, एस कब लगाए ई एस कब लगाए। सी कैच कैचेस, पुश पुशेस, गो गोज, पास पासेस, बॉक्स बॉक्सेस, मीन सी एच एस एच ओ डबल एस एक्स जब आएगा तब आपको ई एस ऐड करना है और रिमेनिंग वर्ब्स के साथ आपको खाली एस ऐड करना है। समझ में आ गया? और कुछ चीज़ें हमें देखनी है, याद रखनी है। सी बहुत बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इफ़ एम इज़ आर कम्स एज अ मेन वर्ब, मीन्स सेंटेंस में एम या इज़ या आर सिंगल इस्तेमाल, उसके साथ कोई और वर्ब नहीं, तब जान लेना वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और दूसरा रूल देखिए, अगर एम इज़ आर कम्स बिफोर वर्ब आई एन जी, अगर एम इज़ आर के साथ वर्ब आई एन जी आया मीन्स वहाँ पे उनका इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया गया है, तो वहाँ पे याद रखना कि वहाँ पे कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इफ़ हैव हैज़ कम्स एज अ मेन वर्ब, हैव हैज़ के साथ भी वैसे, अगर ये एज अ मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए गए मतलब इनके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं आया तो जान लेना, समझ लेना कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट अगर हैव हैज़ कम्स बिफोर वर्ब थ्री, अगर इनके बाद वर्ब थ्री आया मीन्स उनका इस्तेमाल एज ए हेल्पिंग वर्ब हुआ है, मतलब वहाँ पे जान लेना कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है। तो इसी के साथ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव ऑन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन ही है और खाली हमें वहाँ पे लिखना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो देखते हैं किस तरह सेंटेंस है हर एक नाउन और प्रोनाउन में। I watched movie, we watched the movie, you watched the movie, they watched the movie, people watched the movie, he watched the movie, she watched the movie, it watched the movie, Jitendra watched the movie, मतलब कोई नाउन हो कोई भी प्रोनाउन हो खाली हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म में इस्तेमाल करना है। प्रीवियस टेंस की तरह नहीं, जहाँ पे एस सी एस इस तरह कोई झंझट नहीं है, खाली वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो चलो कुछ और सेंटेंस देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। सतीश डिफीटेड द अपोनेंट, सतीश ने अपने अपोनेंट्स को हरा दिया।
Students found a new method. Student को नई method पता चल गई. The mother made a cake. मम्मी ने एक केक बनाया. They vanished after the robbery. वो robbery के बाद, चोरी के बाद भाग गए. She wore the beautiful dress. उसने एक beautiful dress पहना. His son lifted him. उसके लड़के ने ही उसे उठा लिया. The soldiers sacrificed their lives. सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया. He was a great batsman. वो एक बहुत great, महान batsman था. We had a huge bungalow. हमारे पास एक बहुत बड़ा बंगला था. तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी रेड कलर के वर्ड हुए वर्ब के सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किए गए. कुछ जगह पे ईडी लगाए उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहेंगे. जहाँ पे ईडी नहीं लगा वहाँ पे जान लीजिए वो इरेगुलर वर्ब्स है. तो देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल एग्जैक्टली कब करना है. लेट्स सी. फर्स्ट यूज ऑफ सिंपल पास्ट, पास्ट हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल, ही स्वैम इन द रिवर इन हिज चाइल्डहुड. तो वो बचपन में नदी में तैरने के लिए जाता था या फिर तैरता था. पास्ट है मतलब पास्ट में बार बार होने वाली एक्शन को दिखाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल किया जाएगा. सेकेंड, कोई अगर एक्शन पास्ट में नॉर्मल कंप्लीट हुई है तो फिर भी उसके लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है. दे आस्क द क्वेश्चंस यस्टरडे. उन्होंने कल सवाल पूछे. नेक्स्ट, पास्ट फैक्ट्स और जनरलाइजेशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. सी, ही वॉज शाई इन हिज बॉयहुड. तो वो बचपन में थोड़ा सा शर्मीला था. तो ये तीन इस्तेमाल हमें सिंपल पास्ट में करने हैं. अगर इस तीन तरह के सेंटेंस आपको अगर कहने हैं तो आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हो. देखते कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है सिंपल पास्ट के लिए. सी, फर्स्ट वन, वर्ब के पास्ट फॉर्म का याद होना बहुत ज़रूरी है. तीनों फॉर्म्स बाय ऐड कर लीजिए लेकिन सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होता है. जैसे कैच कॉट, मेक मेड, हेल्प हेल्प्ड, रिंग रैंग, स्विप स्विप्ट, वॉक वॉक्ड. तो जहाँ पे ईडी लगा है वो तो रेगुलर वर्ब से, लेकिन जहाँ पे ईडी सेकेंड फॉर्म में नहीं लगा वो जान लीजिए वो इररेगुलर फॉर्म से. और इररेगुलर फॉर्म्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे, बाय हार्ट करने पड़ेंगे. नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है, अगर सेंटेंस में वॉज वेयर एज अ मेन वर्ब के तौर पे आए, मतलब सिंगल आया, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं आया, तो समझ लेना ये सिंपल पास्ट टेंस है. बट अगर वॉज वेयर के साथ अगर आईएनजी आता है, मीन्स वॉज वेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आए, तो समझ लेना ये कंटिन्यूस पास्ट टेंस है, ना तो सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट, अगर सेंटेंस में हैड एज ए मेन वर्ब आता है, मतलब उसके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं आया, तो समझ लेना ये सिंपल पास्ट टेंस है. बट अगर हैड के साथ वर्ब थर्ड आया और हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया, तो समझ लेना ये सिंपल पास्ट नहीं, परफेक्ट पास्ट टेंस है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है सिंपल पास्ट टेंस के लिए. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, सिंपल फ्यूचर टेंस. लेट्स सी द रूल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. सब्जेक्ट है लास्ट में ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आएगा शल और विल, और फिर इस्तेमाल किया जाएगा वर्ब वन. तो शल और विल के बारे में पढ़ेंगे किस तरह इस्तेमाल करना है. आई शल वॉच द मूवी, वी शल वॉच द मूवी, यू विल वॉच द मूवी, दे विल वॉच द मूवी, पीपल विल वॉच द मूवी, He will watch the movie, she will watch the movie, it will watch the movie, Jitendra will watch the movie. तो हमने ये चीज़ नोटिस की कि शॉल का इस्तेमाल आई और वी के साथ हुआ है, रिमेनिंग सभी प्रोनाउंस और नाउंस के साथ हमें इस्तेमाल करना है विल, और उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो देखते और सेंटेंसेस इन अ सिंपल फ्यूचर टेंस. सी, दे विल स्टार्ट देयर वर्क. वो उनका काम शुरू कर देंगे. I shall win the match. हम मैच, I shall win the match. मैं मैच जीतूँगा. She will become the doctor one day. एक दिन वो डॉक्टर बनेगी. Shankar will come with us. शंकर हमारे साथ आएगा. We shall see that statue. हम वो स्टैचू देखेंगे. The people will like her performance. लोगों को उसका परफॉर्मेंस पसंद आएगा. You will understand this topic. आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा. He will be the next CM. वो अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे. She will have her rights. उसे उसके अधिकार मिल जाएंगे. तो हमने देखा कि शॉल और विल के साथ हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, लेकिन शॉल का इस्तेमाल किया हमने आई और वी के साथ, और रिमेनिंग सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ हमने इस्तेमाल किया विल को. तो देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जैक्टली इस्तेमाल कब किया जाता है, कब हमें सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है. लेट्स सी.
यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, जब अगर कोई एक्शन हम करने वाले, द एक्शन इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, तब हम इसे बताने के लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर। जस्ट लाइक वी शाल गो टू द रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट जाएंगे, तो ये एक्शन होने वाली है, इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल किया है। और इस्तेमाल देखते हैं, विल इज़ यूज्ड फॉर प्रॉमिस, तो अगर आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करना है तो ये जब इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ से प्रॉमिस किया जाता है। सी द सेंटेंस, आई विल कम्प्लीट माई होमवर्क। नॉर्मली अगर फ्यूचर टेंस दिखाना है तो आई शैल कम्प्लीट माई होमवर्क, बट अगर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तो मैं करूँगा ही, देन आई विल कम्प्लीट माई होमवर्क। नेक्स्ट यूज गोइंग टू फॉर फ्यूचर, फ्यूचर का इस्तेमाल करने के लिए, फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए गोइंग टू का भी इस्तेमाल किया जाता है। सी द सेंटेंस, ही इज़ गोइंग टू डांस विथ मी, वो मेरे साथ नाचने वाला है। या भी आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल किया है फिर भी फ्यूचर टेंस, हाँ गोइंग टू अगर सेंटेंस में आया और गोइंग टू के बाद अगर वर्ब आया तो समझ लेना ये भी एक तरह का सिंपल फ्यूचर टेंस ही, ही इज़ गोइंग टू डांस विथ मी। तो ये थे सिंपल फ्यूचर टेंस का, ये था सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल, कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है। लेट्स सी, नीड टू रिमेंबर कि आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल किया जाता है अगर फ्यूचर टेंस दिखाना है तो, रिमेनिंग जितने भी प्रोनाउन है और नाउन है उनके साथ विल का इस्तेमाल होता है। अगर बी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब आया शल बी विल बी, उसके साथ एक्स्ट्रा कोई वर्ब ना आया तो समझ लेना यह सिंपल फ्यूचर टेंस है। बट अगर शल बी विल बी के साथ अगर वर्ब आईएनजी आया तो फिर समझ लेना कि ये कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस है। आगे अगर हैव सेंटेंस में शल हैव विल हैव एज अ मेन वर्ब आया तो समझ लेना यह सिंपल फ्यूचर टेंस है। बट अगर उसी हैव के साथ शल हैव के बाद वी थ्री आया, विल हैव के बाद वी थ्री आया, वर्ब थर्ड आया, तो समझ लेना इनका इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया है और यहाँ पे टेंस है परफेक्ट फ्यूचर टेंस। तो मुझे लगता है कि शायद आप ये सिंपल का जो टॉपिक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। उनका इस्तेमाल भी कब करना ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें रिमेंबर ध्यान में रखनी वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में फिर से तीनों के रूल्स देख लेते। पहला सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिर वर्ब SES फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर आता है सेकेंड सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा। एंड सिंपल फ्यूचर में हमें शल और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। तो अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आए तो एटलीस्ट आपको इस टेंस में 100 तक हर एक टेंस में सेंटेंसेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत बड़ा है लेकिन आपने पूरा वीडियो देखने के लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो एंड चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। बाय।